गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना 19 का चैप्टर चल रहा था बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, यानी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, यानी डिफरेंट टाइप डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। और फिर उसके बाद उसके टाइप उसके लेवल आपको बता ही दिए थे, जेनेटिक स्पीसीज स्पीसीज है, जेनेटिक है, ठीक है, और इस प्रकार इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके बाद में जो टॉपिक था वो था, इसके लेवल बता दिए थे, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों को एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाया था कि जिसके अंदर भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने में किया है भाई, टू, कौन कौन सा, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड किया है। प्लांट के कौन कौन से थे ये भी आप लोगों को बताया थे, कौन कौन सा था, बैक्टीरिया था, वायरस था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था, लाइकेन था, फिर इसके अलावा एल्गी था, लाइकेन था, एल्गी था, फंगस था, ये इसमें डिवाइड किया है। इसी प्रकार फिर एनिमल्स को भी डिवाइड किया है, वही बैक्टीरिया, वायरस, फिर उसके बाद में मेमल्स, बर्ड, फिशीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिर उसके अलावा प्रोटिस्टा, ठीक है, आर्थोपोडा, इकाई नोडरमेटा, नोडरमेटा, हेमिकार्डेटा, कॉर्डेटा, इस प्रकार से मैंने इनको आपको बताया था, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। फिर आपको ये भी बताया था कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और इंडिया की दोनों में आए तो आप कुछ भी पूछ लिख सकते हो, दोनों का एक जैसा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कम ही पूछते हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, अब ध्यान से देखो, ये पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, हाँ भी क्या होता है हॉट स्पॉट, वेरी गुड, हाँ भी ध्रुवी, हॉट स्पॉट क्या होता है, मैं मोबाइल वाले हॉट स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं, हॉट स्पॉट क्या होता है बोलो, हेलो आवाज आ रही है, हेलो, यस सर आ रही है, साफ आ रही है ना, हाँ हाँ, हॉट स्पॉट बताओ भाई क्या होता है, हाँ देखो हॉट स्पॉट आप ऐसे समझ लो, देखो अभी आपको पता है कि मार्च के अंदर कोरोना काल आया था ना, फिर अप्रैल में यह है काफी बढ़ गया, फिर कुछ एरियाज को हॉट स्पॉट घोषित किया, याद है क्या आपको, जैसे कि अपने अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, इन एरिया को क्या किया था, अजमेर, इनको हॉट स्पॉट किया था। इसी प्रकार अपने एरिया में भी किया था, चिड़ावा है, बड़ा गाँव है, ठीक है, इन एरिया को क्या किया था, हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया था। तो और अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर दिल्ली को, महाराष्ट्र को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया था। तो ये हॉट स्पॉट होता क्या है, हॉट स्पॉट का मीन्स, सही बताया आपने कि हॉट स्पॉट का मीन्स यही होता है कि कोई भी चीज है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वास्ट अमाउंट में हो, यानी एवरीथिंग एल्स या और एनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन वेरी हाई अमाउंट और वास्ट अमाउंट, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, क्लियर। तो इसी प्रकार से देखिए बायोडाइवर्सिटी का होता क्या है कि कोई एक एरिया है उसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मान लो जैसे कि अपन ये बात मान लो कि अपने लोहागढ़ की पहाड़ियां है, इसमें खूब प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, तो लोग क्या करेंगे, उसका मिस यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे, कुछ तो शिकार वगैरह करते हैं, बढ़िया बढ़िया लकड़ियां काट के ले आते हैं, मान लो वहां पर चंदन की लकड़ी भी है, देवदार की भी है, तो लोग कटाई करने का काम करते हैं, वहां पर मकान बनाना, तो जिससे क्या होगा, अगर मकान वगैरह बनेगा तो लोग वहां पर रहना शुरू कर देंगे पहाड़ों पर, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा या नहीं होगा, तो उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। तो हॉट स्पॉट करने के बाद में वहां डाइवर्सिटी एकदम प्रोटेक्ट रहती है, यानी कि कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। तो अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का भी यही होता है कि जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, एक जंगल का एरिया है जहाँ पर तरह तरह की जो काफी हजारों लाखों प्रकार के प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स है, काफी अच्छे अच्छे प्लांट्स है, ठीक है, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, बढ़िया बढ़िया प्लांट्स है, तो भाई सबका मन चलता है कि उनको मैं हम यूज करें। लेकिन अगर लोग यूज करना शुरू कर दे तो फिर बचेगा क्या, ये बताओ। अगर इसका लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या कुछ, तो फिर क्या होगा, तो फिर गवर्नमेंट उसको बचाए कैसे। अब इसके लिए देखो लोग किसी गवर्नमेंट को, फॉरेस्ट ऑफिसर को छोड़ा हुआ, लेकिन लोग मानते तो है नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। मान लो उस जगह के ऊपर तरह तरह के जानवर है, शेर भी रहता है और भी, तो लोग वहां पर शेरों का भी शिकार कर लेते हैं, हाथियों का शिकार भी कर लेते हैं, तो उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है। हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के बाद में लोग वहां नहीं जा सकते, उसकी एक बाउंडेशन कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। अब नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड इज, बोलो टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड 34। वेरी गुड, पूछा हुआ है कितने हैं, 34 हॉट स्पॉट है, हमारे पहले 29 थे, अब कितने हो गए, 34 हो गए। तो पूरे के तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 हॉट स्पॉट है, और उसमें से इंडिया के अंदर कितना है, ये तो है वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर कितना है, इंडिया में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं, 3, ठीक है ना, इंडिया के अंदर टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं, 3 हॉट स्पॉट है। फिर आगे देखिए, हाँ टोटल हॉट स्पॉट वर्ल्ड में 34 है और इंडिया के अंदर है 3, तो ये जो 34 हॉट स्पॉट है यह है पूरे के पूरे अर्थ का 2.3% एरिया घेरे हुए है, कवर किए हुए है, यानी पूरी अर्थ का कितना पार्ट कवर किए हुए है, 2.3% पार्ट कवर किए हुए है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट कि क्या कंडीशन है कि किसी एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाए। भाई सभी जगहों को तो हॉट स्पॉट कर नहीं सकते, वरना लोग तो कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है, अगर सभी जंगलों को पहाड़ियों को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दे तो लोग तो इंजॉय करने भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रशासन हो जाएगा, तो हर जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो देखिए डिक्लेरेशन के लिए कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है, पहली देखिए आपके बुक में भी है ना, इट शुड हैव मोर देन 0.5% टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, इट शुड हैव एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज। कहने का मतलब है कि उस जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जा सकता है जहां पर टोटल एंडेमिक स्पीशीज का लगभग 0.5 एंडेमिक स्पीशीज है, ठीक है, यानी टोटल स्पीशीज का 0.5% एंडेमिक स्पीशीज हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये फिक्र हो रहा है एंडेमिक स्पीशीज क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंडेमिक स्पीशीज, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एंडेमिक स्पीशीज होता क्या है। तो पहला यानी कि लगभग 1500, लगभग जिस एरिया में 1500 टाइप की एंडेमिक स्पीशीज होती है उस एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकंड है एटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द रीजन शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड अंडर ट्रीड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ऐसा एरिया जिसका लगभग 70% पार्ट जो है वह डिस्ट्रॉय हो गया हो, उजड़ा हुआ हो, यानी वहां पर लोग नहीं रहते हो, जैसे खंडर टाइप का बोल सकते हो आप उसको, हम क्या क्यों, क्योंकि अगर लोग रहेंगे तो हॉट स्पॉट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वरना तो वो भी गवर्नमेंट की बाउंड्री में आ जाएंगे, तो उसका लगभग 70% पार्ट क्या हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। तो दो कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन क्या है, पहला 0.5% एंडेमिक स्पीशीज हो और उसका लगभग, और सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, उसका 70% पार्ट क्या हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। ओके, तो ये हो गया हॉट स्पॉट। हाँ भाई क्या नाम है, पलक जोशी, यस सर, हाँ क्या हुआ, आप क्यूट कैसे हो गए थे पहले, सर नेटवर्क से लगे तो लीव होके वापस ऑन हुई, आवाज साफ आ रही है ना मेरी, यस सर, ओके।
ये हो गया एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। अब देखिए भारत के बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। अब अपन अब इसको ध्यान से समझना, बुक से समझ में नहीं आएगा, ये मैं मैप से समझाऊंगा क्योंकि एक एसएससी टाइप के क्वेश्चन, और आपको पता है कि एसएससी है वो मैप से ज्यादा बेहतर आ सकती है ना, तो ध्यान रखो। अब जो मैं चीज समझा रहा हूँ, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। अगर इंडिया का मैप याद है क्या, अगर इंडिया का मैप याद है तो यह बहुत आराम से समझ में आएगा, नहीं इसके अलावा नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझो, देखो कि बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन से है। इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, तीन ना। अब वो तीन कैसे, अब मैं ऐसे बोल लूंगा आप लोगों को, बुक में भी लिखा हुआ है तो याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जैसे मैंने कह दिया इंडो बर्मा, इंडो बर्मा के अंदर कौन कौन सा आता है, चाइना, इंडिया, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, हो गया यार नहीं होता है ठीक है। इसी प्रकार से वेस्टर्न घाट, इसमें क्या क्या आता है, तो इससे अच्छा तो मैं एक मैप बना दूं, मैप में शो कर दूं ठीक है ना, तो याद रह जाएगा आप लोगों के। तो देखिए यहाँ मैं एक मैप बना देता हूँ इंडिया का, देखो ऐसा ही बनेगा भाई मेरे से, तो मेरे को आता नहीं है मैप वगैरह बनाना। ठीक है क्या, दिख गया क्या, ठीक है। अब देखिए अपने हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, कौन कौन से है भाई। पहला है ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, पहला है ईस्टर्न हिमालयाज, तो पहला आ जाएगा अब देखिए ईस्टर्न हिमालयाज। देखो ये हिमालय है ठीक है, और इसका ईस्ट एरिया भाई ये हिमालय है, ये पूरा एरिया हिमालय में आता है, तो इसका ईस्ट कौन सा है, ये एरिया। देखो याद रखने का तरीका, ईस्ट एरिया कौन सा है, ये इंडिया का, फिर इंडिया का ईस्ट क्या है, यही तो है, यही होगा। तो अब उसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, देखो ये है ईस्टर्न हिमालय का, ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क सर्किल से कर देता हूँ। अब देखो इस एरिया में क्या क्या आएगा, देखो एक थोड़ा सा एरिया यहाँ से आता है, ये है सिक्किम, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और क्या क्या लिखा हुआ है, मणिपुर होगा, मणिपुर, ये आसाम है, ये यहाँ पर आसाम है ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है ठीक है, ये एक सेकेंड, तो देखिए कौन कौन सा आ गया, देखो ये क्या क्या है बोलो आप, नाम बोलो, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये आसाम, फिर नीचे मणिपुर ठीक है, फिर और क्या है, है? नागालैंड, ये रहा नागालैंड ठीक है। तो ये एरिया आ गया आपका कौन सा, इंडो बर्मा का, सॉरी ईस्टर्न हिमालय क्लियर, और वेस्ट बंगाल ये है, ये यहाँ पर आ जाता है वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया ना वेस्ट बंगाल। तो आपको पता चल गया ईस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज में मैप से बताया, मैप में इतनी जगह थे, देखो क्या क्या, सिक्किम, सिक्किम, फिर हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, यहाँ नीचे ही आसाम के जस्ट नीचे है नागालैंड एकदम पैरों में, फिर मणिपुर, पास में मणिपुर है, फिर उसके बाद में ये रहा वेस्ट बंगाल, तो ये एरिया कौन सा आता है, ईस्टर्न हिमालयाज, क्लियर। सेकंड क्या है, वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट, ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जिसमें क्या आएगा, थोड़ा सा महाराष्ट्र आएगा और केरला का हिस्सा आएगा, नीचे क्या है, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, केरला, तो ये केरला महाराष्ट्र भी नहीं आता है पूरा, ये ज्यादातर एरिया नीचे जो है ना ये केरला आता है, यहाँ है केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु और फिर केरला का हिस्सा आता है, वेस्टर्न घाट इन्हीं एरिया में, ये रहा वेस्टर्न घाट,
क्लियर। फिर नेक्स्ट है, थर्ड है इंडो बर्मा, नेक्स्ट आता है इंडो बर्मा। अब बताओ इंडो बर्मा के अंदर देखिए, ये है इंडो बर्मा वाला एरिया बाकी बचा हुआ। अब यहां पर देखो इंडो, इंडो यानी इंडिया, बर्मा यानी म्यांमार, दो तो हो गए ठीक है। फिर उसके अलावा यहां पर क्या है, चाइना, तो कितने कंट्री हो गए, तीन कंट्री। अब चाइना के कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया के पास में है, वो जगह आ जाएगी। तो बोलो इंडिया है ठीक है, इसके अलावा चाइना, म्यांमार यानी बर्मा, इसके अलावा कंबोडिया ठीक है, कंबोडिया होगा, और मलेशिया, वियतनाम भी होगा है क्या। देखो चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया। तो आप कुछ एक याद रख लो, देखो इंडिया, इंडो बर्मा ना, तो इंडो बर्मा में इंडिया, बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, फिर चाइना, फिर वियतनाम, इस जगह के ऊपर आता है वियतनाम, इंडिया के पास में वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये एरिया किसमें आएगा, किसमें आएगा, इंडो बर्मा के अंदर। क्लियर। तो क्योंकि ये मैप मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैप यूं हो करके, यूं घूम करके और फिर ऐसे आता है ठीक है, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाता। तो तीन हॉट स्पॉट हो गए, कौन कौन सा है, पहला ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा। क्लियर। तो ये हो गए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंडेमिक स्पीसीज। अब देखिए आगे एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो आप कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानबद्ध प्रजातियां, स्थानबद्ध स्पीसीज। तो स्थानबद्ध यानी एक पर्टिकुलर जगह ही पाई जाती है। आपको पता है कि कोई भी स्पीसीज है वो हर जगह पाई जाती है, जैसे ह्यूमन भी है, कोई भी एनिमल मान लो, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो खाली एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि अपन, आप लोगों ने ओट्स मिनरल्स वगैरह देखे हैं ऐसे में, तो देखते हो ना कि यार ये और है, ये मिनरल्स है, ये खाली यहीं पाया जाता है, यहीं इसकी खान और कहीं नहीं है ठीक है। जैसे कि सोने की खान इसी जगह पर है, कॉपर की खान यहीं है और कहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है और जगह पर वो नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर। आगे आगे समझ में, जैसे एग्जांपल है लेमूर, लेमूर, लेमूर जो होता है वह केवल और केवल मेडागास्कर में ही पाया जाता है ठीक है। इसी प्रकार से लाइन टेल्ड, जो देखो एक मंकी दिखाया है ना, लाइन टेल्ड, लाइन टेल्ड है ना ये, तो ये है कहाँ पाया जाता है, केवल वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है और कहीं यह नहीं पाया जाता ठीक है ना, और कहीं पर भी यह नहीं पाया जाता। तो ये एंडेमिक हुई या नहीं हुई ठीक है। इसी प्रकार से देखिए डोडो, ठीक है डोडो भी क्या था, एक एंडेमिक स्पीसीज ही था जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाया जाता था ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक एंडेमिक स्पीसीज में। आज के टाइम में डोडो क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ गया, खत्म हो चुका है ठीक है, इसी कारण से खत्म हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है एंडेमिक स्पीसीज का ठीक है, एक एग्जाम्पल कोई पूछ लेना कि एग्जाम्पल बताओ एंडेमिक स्पीसीज, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये रहेगा लाइन टेल्ड जो ना, लाइन टेल्ड जो है वो मकाकारिसस मंकी है, ये कहाँ पाया जाता है वेस्टर्न घाट, ये दे देना, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज का कारण क्या है, एक ही जगह पर क्यों पाए जाते हैं और जगह पर क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वहां की एनवायरमेंटल जो
जो होते हैं ना, बस वही उनकी, वो केवल वहाँ का एनवायरनमेंट ही उनके सूट होता है, और कोई एनवायरनमेंट वहाँ पर और कोई एनवायरनमेंट उनके सूट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने नाम सुना, एक जानवर होता है उसका नाम है वाइट पांडा, वो चाइना के अंदर जो बर्फ वाला एरिया खाली वहीं पाया जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, ये लिखना नहीं है क्योंकि बुक में नहीं है इसलिए, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल बताया। तो वो केवल वहीं पाया जाता है, इंसानों को देखते ही वहाँ अटैक भी कर देता है और देखने में बहुत सुंदर होता है वो, ठीक है, लेकिन जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए, लाइन टेंट वाला एग्जाम्पल बता देना। अब कारण क्या है इन एंडेमिक स्पीसीज का, वहाँ का एनवायरमेंटल चेंज होना। अब देखिए जैसे कि यह है डोडो है, डोडो कहाँ पाया जाता था, चाइना में पाया जाता था, लेकिन कारण क्या है, फिर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कैसे हो गया, इसको वेस्टर्न घाट पर भी देखा गया, ठीक है, और इंडिया के अंदर ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, लेकिन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट क्यों हुआ, क्योंकि वेस्टर्न घाट का पॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, और एनवायरमेंट चेंज होने के कारण यह धीरे धीरे खत्म होते गए, ठीक है। तो ये है कारण एंडेमिक स्पीसीज का, तो एंडेमिक स्पीसीज का यही कारण है, एक पर्टिकुलर जगह इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वही एनवायरनमेंट उसके सूट होता है, अदर एनवायरनमेंट में वह जीवित भी रह सकते हैं, तो इसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी दोज स्पीसीज विच इज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। ये हो गया आपका एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। फिर उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट है, फिर और कुछ है क्या इसमें, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं और मान के चलो दो तीन जो इनमें से मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें से ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जब इस अर्थ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन और यह आपस में एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर इस दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए और केवल ह्यूमन रहे तो ह्यूमन भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, प्रकृति का ये नेचर का एक नियम है कि एवरी ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड टू ईच अदर, विदाउट एनी ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी लिव अलाइव, कि कहने का मतलब है कि इस नेचर का एक नियम है कि इस दुनिया के अंदर हर ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर इसमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज खत्म होता है तो दूसरी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज जैसे मैंने एक मधुमक्खी का भी दिया था ना, मैंने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ सारी खत्म हो जाए तो क्या होगा, वही क्या होगा, पोलिनेशन वगैरह नहीं होगा, प्लांट नहीं रहेंगे तो हम लोग एनिमल वगैरह नहीं रहेंगे, ह्यूमन नहीं रहेंगे, और ह्यूमन नहीं रहेंगे तो बाकी ऑर्गेनिज्म सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है। अब देखिए इनकी क्या क्या कारण है, अब इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक वैल्यू, सबसे पहला आता है इकोनॉमिकल वैल्यू। अब इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उससे अपन पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है, तो जितने प्रकार के, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ही वैल्यूएबल वैल्यू भी रहेगी उनकी, ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू भी होगी। जैसे कि मान लो
ऐसे मान लो कि अपने सावन ही सावन उगा रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज बताओ, और सारे के सारे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, केवल सावन ही, तो क्या भाएंगे क्या अपने को सावन? अर्थ में भी आप ठीक है, और जमीन भी क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी, इसके कारण सॉरी स्टेराइल हो जाएगी। आपको बताया था ना कि प्लांट को मतलब बदल बदल के बोना चाहिए, एक ही एक प्लांट लगाते हैं ना, तो उससे क्या होती है, जमीन जो होती है स्टेराइल यानी बंजर हो जाती है। तो ये है इनकी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आगे देखिए, अब इकोनॉमिकल वैल्यू का और एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने फसलें उगा रखी है, मान लो कोई ऐसा रोग आ गया जिसने पूरे के पूरे धान को खत्म कर दिया, धान मतलब चावल को, तो ये बताओ ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे, तो फिर हम अपना गुजारा किससे करेंगे, बीज से यानी गेहूं से या बाजरे से, समझिए। अगर एक ही प्रकार की ऑर्गेनिज्म रहेगी तो हम पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड हो जाएंगे, किसी कारण से अगर उस पर कीड़े लग गए या कोई रोग लग गया तो हम दूसरे टाइप के तो खा सकते हैं ना, तो ये होता है डाइवर्सिटी के बारे में, क्लियर। सेकंड है इकोनॉमिकल वैल्यू के बाद में, सेकंड पॉइंट किस पर आता है, मेडिसिनल वैल्यू, सेकंड क्या आता है इसका, मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसन के अंदर भी काफी प्रकार की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, नहीं पाई जाती क्या भाई, मेडिसन में बायोडायवर्सिटी नहीं पाई जाती भाई, कितने प्रकार के प्लांट है जो मेडिसिनल वैल्यू वाले हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जितने ज्यादा बायोडायवर्सिटी मेडिसिनल वैल्यू में मेडिसन प्लांट में पाया जाएगी उतना ही हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि सर्पगंधा, राउवाल किया सर्पेंटाइना, वो किसके लिए उपयोग में किया जाता है, बीपी के, हाइपरटेंशन के लिए है ना। इसी प्रकार से टेक्सास बटाटा जो है वह है कैंसर के उपचार के लिए है ना, अगर किसी जगह के ऊपर लग जाए, किसी जगह पर लग जाए तो उसके लिए क्या है, कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी है, ठीक है। इसी प्रकार से मेडिसिनल प्लांट और भी काफी प्रकार के हैं, जिंजिबर ऑफिसिनल है जो कफ वगैरह के लिए अच्छा रहता है, जिंजिबर ऑफिसिनल यानी अदरक है, ठीक है, एलोवेरा है जो हमारे पेट और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी उतना ही हमारे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्लांट की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। हर प्लांट एक ठीक है, कुछ प्लांट तो ऐसे भी है जो एड जैसे रोग डिजीज को भी ठीक करने की अपनी क्षमता रखते हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे गिलोय होता है, गिलोय के अंदर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, ठीक है, कि कई जो खतरनाक बीमारी है, डेंजेरियस जो डिजीज है उससे भी हमारी प्रोटेक्शन करता है, कौन, गिलोय, ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ठीक है ना। तो सेकंड क्या आ गई, मेडिसिनल वैल्यू, क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो सर। ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्लियरिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखो आपको ये चीज तो हमें पता ही है कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जंगल, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, यानी एनवायरमेंट को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिल्टर करने का काम कौन करता है, प्लांट करते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, जितना भी प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन हो, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन हो, उसको कंट्रोल कौन करता है, ये प्लांट ही करते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है सदाबहार, वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो टीएनटी होता है, आरडीएक्स मिल जाता है, ट्राइनाइट्रोटोल्युइन, एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। जैसे कहीं पर भी बम का परीक्षण किया गया, ठीक है, और बम का परीक्षण करने पर वहां की मिट्टी पूरी खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें बारूद मिल जाता है जिसको कहते हैं टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोल्युइन, तो उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है, और उसको अगर ऑब्जर्व कर लेगा तो वहां पर प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट है जो पानी को साफ करने का काम भी करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी के अंदर हमें एक वो मछली होती है, उसका नाम नहीं आ रहा ध्यान में, है नहीं, कतला है या मृगल ऐसी ही है, तो वो मछली क्या करती है, मच्छरों को खाने का काम करती है, तो एनवायरमेंटल के
के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुई या नहीं हुई। ठीक है, आपने देखा होगा पानी के अंदर लार्वा मच्छर वगैरह रहते हैं, मच्छरों के लार्वा रहते हैं जिससे पानी खराब हो जाता है, बदबू आने लग जाती है। तो उस गेम्बुसिया, उस मछली का नाम है गेम्बुसिया, तो उस फिश को आप उस पानी में डाल दो, वो सारे के सारे लार्वा और जितने भी मॉस्किटो मच्छर है ना उन सबको खा जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ये क्या होंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वेल नहीं, फिर उसके बाद में देखिए मेडिसिनल होगी, फिर है एनवायरमेंटल वैल्यू, फिर उसके बाद में क्या आ गया, एनवायरमेंटल वैल्यू। यही तो था ना थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंटल वैल्यू। और एनवायरमेंटल के अंदर यानी कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये है एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, यानी एनवायरमेंट को क्लियर करने का काम भी करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आया था, कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन, कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन। याद है क्या फूड चेन करवाई थी शायद पिछली बार, करवाई थी ना, क्या होती है फूड चेन, सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ पॉइंट और बच रहे हैं उसके बारे में अपन कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल ये इंपॉर्टेंस और थ्रीडो बायोडाइवर्सिटी दोनों ही पॉइंट करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब नेक्स्ट पीरियड के अंदर अब अपनी जो क्लास आएगी वो आएगी ऑनलाइन क्लास मंडे को।